हेलो दोस्तों, अगर आप भी घर पे हैं और आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया और आप ब्रॉडबैंड आपके यहाँ जियो फाइबर लगा हुआ है उससे आपको कॉल करना है किसी दोस्त को, तो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, यहाँ पे जियो ज्वाइन का एक एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर चलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया है, जैसे ये क्लिक हुआ और ये डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है। जैसे डाउनलोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे इसमें आपको क्या क्या करना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, मैं ओपन कर देता हूँ इसको। जैसे मैंने ओपन किया इसको तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे ग्रांट एक्सेस लिखा हुआ, तो हम लोगों को सारा मोबाइल का जो है इसमें एक्सेस देना पड़ेगा जो ये मांगेगा। तो चलिए ग्रांट एक्सेस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये एक्सेस मांगेगा कुछ, उसको अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अलाउ करते जाना है हम लोगों को जितना ये एक्सेस मांग रहा है। उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक तो आपका यहाँ पे लोकेशन आपका ऑन होना चाहिए, तो चलिए हम लोग लोकेशन ऑन कर देते हैं इसको। यहाँ पर लोकेशन ऑफ है तो इसको ऑन करना है, तो मैंने ऑन कर दिया ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, फिर उसके बाद अलाउ करना है। तो अलाउ करने के बाद जो है आपका जो घर में वाईफाई लगा है तो आपको मोबाइल में जो है वाईफाई ऑन होना चाहिए। तो ये देखिए वाईफाई मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है, तो आपके घर पे जो जियो फाइबर लगा है वो ले लेगा ये वाईफाई। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है जियो फाइबर जो लगा उसका नाम, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका ये ज्वाइन हो चुका है और ये लाइव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका जिस नंबर से जियो फाइबर आपने कनेक्शन कराया है उस नंबर पर एक OTP आएगा, वो नंबर डालना है, OTP डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्किप कर देना है सब। स्किप करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट हेयर पे करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा सारा, और आपने रिसेंट जो भी डायल किया है उस पर आप क्लिक करके जो है किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायल करके दिखा देता हूँ। पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको डायल का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो कॉल का मिलेगा, तो कोई भी कर सकते हैं। इस तरह आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी